हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है पीके गार्डन। फ्रेंड्स, चूँकि प्लांट का एक नया छोटा अपडेट मैं देना चाहता हूं और मैं रूट के बारे में आज बात करूंगा। रूट नए प्लांट, ये लगभग हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं पर्सनली जो देखते हैं, ये उनके लिए छोटा सा अपडेट है। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है हमारा, लगभग ये 3 महीने आज कंप्लीट हो जाएंगे। ये 30 तारीख लगभग आएंगे तो ये प्लांट कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड्स। और ये हमारा छोटा सा अपडेट है, आप देख सकते हैं गार्डनिंग का अपडेट है। और काफ़ी हेल्दी और काफ़ी बूसी और काफ़ी चमकदार ये पत्ता बनता है फ्रेंड्स। आज इसमें कुछ ऑर्गेनिक हम एक वो करने जा रहे हैं, आपको ऑर्गेनिक बताने जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है। और आपको याद होगा कि जो हमारे चैनल पे विजिट अगर रेगुलर करते होंगे, मैंने एक फंगिसाइड की एक वीडियो बनाया हुआ था जो एलोवेरा का जूस की वजह से बनाया था फ्रेंड्स। वो मैंने काफ़ी एक बार नोटिस किया उस चीज़ को, तो मैं सोचा कि आपको साझा करूँ। वो लिक्विड फ्रेंड्स मैं इकट्ठा किया हुआ था, लगभग ये 4 महीने से ऊपर हो गए। ये लिक्विड 4 महीने से लगभग मैंने स्टोर करके रखा था, ये फ्री में फंगिसाइड होने को। सही एलोवेरा का जूस था और काफ़ी सारी हल्दी वगैरह भी नीचे आप देख सकते हैं बैठा हुआ है, तो इसको हम सेक कर लेंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि रूट अगर गुलाब पे सबसे अच्छा अगर ग्रोथ होगा तो रूट के लिए सबसे बेहतर है। और ये गीगी का प्लांट है फ्रेंड्स, जो बेसल मैंने दिया था। देखिए, बेसल सारे एक्टिव हो चुके हैं और लंबे भी हो चुके हैं। कुछ ऐसे ख़राब पत्ते ऐसे तो आप लोग हटा दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। इस तरह का सकर्स आते हैं, सकर्स को आपको बरसात के मौसम में रिमूव कर लेना है। जो भी पत्ते होंगे इसको यहाँ से कर लेंगे, नहीं तो सारे भोजन खा जाते हैं। दूसरी फ्रेंड्स ये है कि अब आप एक कुछ पर्सनली मैं बात करना चाहता हूँ कि हमसे पूछते हैं लोग, सर ये आपका पौधा कैसे चमकता है इतना, कैसे शार्प रखता है और कैसे इतनी लाइट देती है आपके प्लांट पे, इस तरह से पत्ते आपके कैसे हरे भरे होते हैं इतने टेम्परेचर में। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये किस बहुत लोग आप लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत खुशी होता है कि चलिए सर बहुत अच्छे करते हैं और मेहनत करते हैं, काफ़ी चीज़ हैं जो हमारे जो भी अपडेट होते हैं वो मैं आपको देता रहता हूँ। दूसरी फ्रेंड्स ये बात है कि कई लोग हमको गुमराह करते हैं कि आपका जाइलम फट जाएगा, आप यूरिया डाल रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, कई लोग बोलते हैं नाइट्रेट डाल रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं उनके लिए तो कुछ कह नहीं सकता, मुझे बहुत लोग भड़काने की भी कोशिश करते हैं ताकि इस तरह से मैं प्लांट ना कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ी बिग चैलेंज होती है गार्डनर के लिए, एक रोज़ लवर के लिए, जो रोज़ से जिसको प्रेम है, वो उनके पत्ता हरा भरा रहे, शाइनिंग दे। एक दूसरे को लोग देख करके सीखते हैं, लोगों को सोचते हैं कि सर आप क्या डाल रहे हैं मुझे भी बताइए, आप क्या डाल रहे हैं मुझे भी। वो उमंग और तरंग मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है, वो चीज़ जानने का। तो जो भी बनता है, मैं जो भी सीक्रेट होती है, जो भी मैं अध्ययन करता हूँ, ये फ्रेंड्स कोई फीड डालने से नहीं होता, ये आपको भी पता है। ये सावरिंग की वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है, बहुत ऐसी इसमें चीज़ करनी होती है, रिसर्च करना होता है, एक एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करना होता है, तब जा करके इस तरह से क्वालिटी, इस तरह से टेक्स्चर आते हैं, इस तरह से बेसल आते हैं, जो एक एक जो भी एक कड़ी आगे जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको तक पहुंचाता हूं ताकि आपके भी प्लांट हरा भरा और चमकदार बने। तो फ्रेंड्स, जहां तक वो लोग हमको गुमराह करते हैं, वो लोग हमको भड़काते हैं कि आप ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो फ्रेंड्स हम भी पढ़े लिखे हुए हैं और उतने उनके तरह तो भाई उतने 25 साल का एक्सपीरियंस मेरे को नहीं है। मैं भी कभी पूछता रहता था उनसे कि सर आप मुझे भी गाइड कीजिए, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों से मैं पूछता रहता था कि सर मुझे भी गाइड कीजिए ना, सर कैसे आपका पत्ती चमकता है। फ्रेंड्स, इतना हम गर्व के साथ और आपके प्यार और आशीर्वाद के साथ कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में जो भी फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं लोग, एक हमारा जो टेक्स्चर है, जो टेम्परेचर 45-43 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा पीके गार्डन का जो पौधा गुलाब है वो चमकता था, शीशे की तरह चमकता था। ये बिग चैलेंज होता है। अब बरसात आएंगे, सारे लोग अपना प्लांट दिखाएंगे, सारे लोग वीडियो शूट करेंगे, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। डिफ़िकल्ट चीज़ में आप कब इस चीज़ का मुकाम अगर हासिल कर लेते हैं, इतनी चमकदार करते हैं, उसको बोला जाता है किंग ऑफ रोज़। तो फ्रेंड्स, आपके प्यार और आशीर्वाद से मैंने वो चीज़ किया, मैंने मेहनत की, आपका प्यार था और मैं करके दिखाया उस चीज़ को, और अपने चैनल के माध्यम से सारी सीक्रेट चीज़ें मैं आपको गाइड करता रहता हूँ।
तो ये सब कुछ पर्सनली बातें हैं जो छोटी छोटी चीज़ होती हैं, कभी कभी मेरे मन में भी ऐसे हो जाता है जो मैं आपसे कह के अपने दिल को हल्का कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उस कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूँ रूट के लिए। अगर आपको भी पत्ते पे साइनिंग चाहिए, रूट अच्छा डेवलप करना चाहिए, तो उसके लिए जो मैंने फंगिसाइड का स्प्रे किया था, इसको स्प्रे भी ले सकते हैं और इसको ड्रिंच करेंगे। तो इसको, इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, मैं कम से कम 2 लीटर पानी के आसपास मैं लूँगा और इसको मैं 500 ml डाल दूँगा। थोड़ी सी स्मेल आएगी सड़ने का, और इसको मैं बंद करके ठंडे प्लेस पे इसको रखूँगा। इसको कैसे बनाते हैं, इसकी वीडियो हमारी पब्लिक पड़ी हुई है, आई बटन में लिंक दे दूँगा और उसको जा करके आप देख लीजिएगा। ये पानी है फ्रेंड्स, और ये थोड़ी सी ह्यूमिक एसिड इसमें डाला हुआ था, तो उसी का हल्का सा है। इसको जैसे पानी का कलर थोड़ा बदला दिख रहा है, तो मैं डाला नहीं ह्यूमिक एसिड, मैं दूसरे प्लांट में मैंने दिया था तो थोड़ा सा नीचे रह गया था, उसको वजह से ये है। इसको हम इतने पानी में लगभग इसको मिला करके और खूब अच्छे से चलाएँगे पानी को, और पानी को जितना हो सके आप लोग फेंटने की कोशिश कीजिएगा। इसका भी एक गुलाब पे बहुत बड़ा सीक्रेट है। और थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स इसको है ऐसे ड्रिंच कर देंगे हम ऐसे। इससे क्या होगा कि बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स जो है एलोवेरा के होने की वजह से प्लांट में काफ़ी रूट्स स्ट्रांग होते हैं और चमक भी कहीं ना कहीं मिलता है, और नाइट्रोजन की जो भी पूर्ति होती है, जो भी फंगस होते हैं, अगर खराब फंगस उसको भी ये हटाता है। और तो फ्रेंड्स ये कुछ सीक्रेट ट्रिप्स थे जो ये रूट के जो हमारे नए प्लांट थे, मैंने इस पर एक ट्राई मारा था तो उसका कुछ रिजल्ट मुझे बदला दिखा, तो मैं उस चीज़ को आपको करता हूँ। तो इसको मैं ड्रिंच कर दूंगा फ्रेंड्स, ये है। आप इसको महीने में एक बार दे सकते हैं, बहुत है। बाकी पहले भी मैं रूट पे वीडियो बनाया हुआ हूँ, और रूट पे हम कोशिश करते हैं जैसे जैसे कड़ी आगे बढ़ेगी, रूट ही मेन है गुलाब का फ्रेंड्स। रूट अगर एक बार आप बना लिए, स्ट्रांग कर लिए, तो गुलाब को कोई नहीं रोक सकता है। मैं रूट के लिए साल भर परेशान रहा हूँ, जिनसे मैं जानता था, जिससे मैं पूछता था, हमको बहुत चीज़ है, रूट के लिए ही सारा खेल है। गुलाब का सबसे बड़ी समस्या रूट है। अगर रूट एक बार आप सही कर लेंगे, रूट ट्रीटमेंट से कर लेंगे, हम थोड़ी थोड़ी वीडियो रूट पे हम लाते रहेंगे। ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ रिसर्च करके हम नहीं लाएंगे, पुरानी ही चीज़ है, लेकिन कुछ तजुर्बा अलग होना चाहिए, कुछ डोज अलग होना चाहिए। तो ये है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसा नहीं है कि ये जो चमकता है पत्ती, जो भी हमारे ये है, एक दो प्लांट में चमकता है तो सारे प्लांट में चमक। मेरे पास लगभग 60 गुलाब से ऊपर हैं, और ये जो भी अपडेट आप ये देख सकते हैं, सारे गुलाब हमारे चमकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक चमकता है, एक नहीं चमकता है, जो भी अगर आप देख सकते हैं, सारे के सारे हमारे गुलाब चमकते रहते हैं। ये फ्रेंड्स से ये अपडेट है, ये हमारी नाइट्रेट की फीडिंग पे एक मैं जो बता रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, उस पर ये काम चल रहा है। इसका ये छोटी सी अपडेट है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, और इस पर भी हमारा वर्किंग चल रहा है, ये है। और कुछ ऐसे प्लांट है, इसकी जो टेक्स्चर है पत्ती का, वो आप देख लीजिए। ऐसे फ्रेंड्स ये होने वाला है, ये बहुत जल्द नाइट्रेट की फीड में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।